जी हाँ, आज नेपी है। तो नेपी में क्या होता है कि नेपी के बाली का कल्चर है इंडोनेशिया में। तो जो यहाँ के जो हिंदू लोग हैं ना, तो इनका एक कल्चर है। तो आज जैसे ये पुतले बनाते हैं बड़े बड़े, राक्षसों के, एंड उन्हें कल जलाएंगे। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली कि इनका जो नेपी के होता है कि ना, हैप्पी न्यू ईयर होता है इनका। इनका न्यू ईयर स्टार्ट हो गया अभी। अब वैसे ही हमारा है, अपने यहाँ, हमारे यहाँ अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गया, राइट। तो इंडिया में दिल्ली में फाइट है MFN 11 31 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम पे, और आप ये फाइट देख सकते हो डिज्नी हॉट स्टार पे भी लाइव रात को। इतना माउथ गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 50 रुपये वाला माउथ गार्ड नहीं लेना है, वाइट वाला, यू नो। एगे व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है स्पारिंग और मैं आ रहा हूँ स्ट्रेटेड। सो स्पारिंग है अभी, हफ्ते में 2 दिन स्पारिंग होती है, तो आज स्ट्राइकिंग की स्पारिंग है। लेट्स गो। कुछ बातें बताऊँगा आपको जो स्पारिंग में लोग गलतियाँ करते हैं, और एक टाइम था जब हम भी कैसे करते थे, जस्ट लाइक दैट, लेट्स गो ब्रो, लेट्स, ऐसा था कि मतलब मर रहे हैं क्या, लेकिन चोट लगे कोई बात नहीं। तो वो बहुत गलत था। अब रियलाइज़ होते काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, एंड वो गलतियाँ मैं इस ब्लॉग में बताऊँगा आपको। ओके, लेट्स गो। Seperti hal yang tidak inginkan. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak Ibu. स्पारिंग हो चुकी है, और ये गिफ्ट किया था आशा मैम ने अभी, हनुमान की मूर्ति, अब बीच में आए थे यहाँ पर। स्पारिंग हो चुकी है, और स्पारिंग में जो हम गलतियाँ करते हैं, मैं उसके बारे में कुछ बात करूँगा आपसे। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस स्पारिंग में आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, इंजरी नहीं होनी चाहिए। अक्सर जो फाइटर्स होते हैं ना, वो आधी इंजरी उनको इतनी फाइट में नहीं होती जितनी ट्रेनिंग में हो जाती है। तो ट्रेनिंग में इंजरीज अवॉइड करनी है। इंजरीज होने के रीज़न ये होते हैं कि जैसे आप किसी ब्रॉलर के साथ जा रहे हो फाइट खेलने, जिसको टेक्निक नहीं पता ज़्यादा, तो कोई भी वो लिगामेंट खींच के पकड़ के खींच सकता है, तोड़ सकता है हमारा पाँव या नी या स्पाइनल हो गया। ऐसा अक्सर उनके साथ ही होता है जिनको टेक्निक नहीं पता होता है। तो हमेशा ऐसे फाइटर के साथ फाइट करो जिसको बेसिक्स पता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसकी जो अच्छा मतलब एक फ़ाइटर है। ऐसे नहीं कि पंच की जगह उसने एल्बो मार दिया या फिर नी मार दिया सर पे, तो वो गलत है ना। कई बार क्या होता है कि लोग होते हैं वो चार चार राउंड के ग्लव्स पहनते हैं, उससे स्पारिंग करते हैं, तो वो मुझे बहुत इडियट लगते हैं। तो मतलब बॉक्सिंग के ग्लव्स पहन के आप बॉक्सिंग की स्पारिंग कर सकते हो। अगर आप MMA की स्पारिंग कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट हाथ में थोड़ा मोटे जो पैडेड वाले MMA ग्लव्स होते हैं वो पहन के हम स्पारिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई लोगों के पास ग्लव्स नहीं होते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है हमारे यहाँ। तो मतलब मुझे हमेशा अपने स्पारिंग पार्टनर की सेफ्टी देखनी है, मुझे अपने जो पार्टनर्स हैं उनकी सेफ्टी हमेशा लेके चलना है, तब जाके मैं इम्प्रूव करूँगा। अगर मेरे पास स्पारिंग पार्टनर ही नहीं होंगे तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जैसे मेरी अकेडमी में, इसलिए मैंने 3 लेवल बना रखे हैं वहाँ की, लेवल 3 वाले लेवल 3 और के साथ स्पारिंग करेंगे, लेवल 2 वाले लेवल 2 और लेवल 1 लेवल 1। तो लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे लेवल 3 लेवल 2 की स्पारिंग होती है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक स्पारिंग होती है, जैसे एक पोजिशन का स्केप करना है वहाँ से हो सकता है। स्ट्राइकिंग में जैसे सिर्फ जैब जैब की स्पारिंग हो सकती है, यानी कि जैब क्रॉस लेफ्ट हुक किक सब मारो, ऐसा नहीं होता है। तो जितना उनको आता है, जो आता है उनको पूरा आना चाहिए, क्योंकि अक्सर इंजरीज होती है न्यू कमर्स के साथ, क्योंकि वो कभी घुटना पकड़ के खींच देते हैं, कभी स्पाइनल कॉर्ड पे स्लैम कर दिया कभी कभी कभार, तो वो बहुत गलत है। कभी फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है उनको कि उसे वो चल चल के सर मार देते हैं तुम्हारे चेहरे पर।
तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और स्पारिंग में हमेशा अपने वेट वाले के साथ ज़्यादा स्पारिंग करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो आप नई नई टेक्निक सीखते हो वो तभी हो पाएंगे जब आपके बराबर का कोई वेट वाला है ना। अभी जो सपोज़ मेरा वेट है, वॉकिंग वेट है 65 kg, तो मैं 75 वाले के साथ नहीं जा सकता। मतलब जा सकता हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो टेक्निक जो लग रही होगी वो नहीं लग पाएगी क्योंकि स्ट्रेंथ के कारण। अब 75 वाले के अंदर अलग स्ट्रेंथ होगा, उसको हटाना इतना मुश्किल होगा, और 65 वालों को हटाना इजी होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 68 या 70 तक। तो जब मैं हटाऊंगा तभी तो मेरा गेम इंप्रूव होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम थाईलैंड में टाइगर मुआय थाई में, तो पहले मैं क्या करता था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यू नो बड़े बड़े लड़कों के साथ जा रहा हूँ, एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इनके पंचेस में ज़्यादा पावर है और कोई फ़ायदा नहीं इनके साथ जाके। एंड देन स्विच किया, देन जो कम कम वेट वाले हैं उनके साथ पकड़ा, एंड देन काफ़ी गेम इंप्रूव किया उसके बाद मैंने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें देखनी चाहिए स्पारिंग में, क्योंकि स्पारिंग में ज़्यादा इंजरीज होती है। अपना माउथ गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 50 रुपये वाला माउथ गार्ड नहीं लेना है, वाइट वाला, यू नो एटलीस्ट अच्छा माउथ गार्ड लेना है, क्योंकि वो तुम्हारे दांत बचाएगा। और मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब अगर तुमने माउथ तुम्हारा अच्छा नहीं है तो कई बार दांत टूट जाते हैं, तो वो तुम्हारा फिक्स रहता है जो 1700-1800 को वैनम का मिलता है, अमेजन पे मिलेगा अच्छा सा। तो मतलब ये दूसरी गलती करते हैं हम, तो अक्सर लोग नहीं करते हैं, लोग कहते हैं कि 40-50 वाला माउथ गार्ड सही है। इवन मेरी अकेडमी में भी लड़के 40-50 वाला माउथ गार्ड पहनते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी सेफ्टी है। तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुझे पैसे कम या ये जो भी है, 400-500 रुपये डाल के आप अच्छा सा माउथ गार्ड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो चलेगा ना, वो एक तरह के इन्वेस्टमेंट है। ग्लव्स हमेशा अच्छे रखने चाहिए, हैंड रैप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सब कुछ होता है हैंड रैप नहीं पहनते लड़के। शिन पैड देखता हूँ मैं, शिन पैड ऐसे पहनते हैं जैसे शिन पैड ऐसे पहनते हैं जैसे मतलब जैसे गद्दे का नहीं होता, गद्दे का फोम काट के पैड पे लगा दिया होगा, ऐसा करते हैं। तो शिन पैड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे शिन पैड पहनने चाहिए, तब जाके आप किक खोल पाओगे और पूरी स्ट्रेंथ से किक खोल पाओगे। अक्सर इंजरीज पता क्या होती है, जैसे अगला बंदा किक मार रहा हो, मैंने ऐसे एल्बो लगा दी, तो एल्बो लगती है कई बार शिन पे, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर शिन पैड आपका मोटा है देन आप कर सकते हो। इसके अलावा देखो हाइड्रेशन, हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइड्रेट हो तो आपको क्रैम्प नहीं आएंगे, क्योंकि स्पारिंग में आपको एक्सप्लोजिव मूवमेंट चाहिए कई बार, और टेक्निक प्रॉपर चाहिए आपको, क्योंकि टेक्निक है तो इंजरीज कम है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम टेक्निक पानी हो गया, बॉडी में हाइड्रेशन पूरा चाहिए। एक दिन पहले आप अच्छा खाना खाओ, इतना भी तला हुआ या कुछ ऐसा नहीं खा सकते, यू नो कि ब्लोटिंग हो जाए बॉडी में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्दन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गर्दन की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पारिंग से पहले मैं तो हमेशा गर्दन की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, और चिन की ये आपका जो जॉ बोन है, इसकी जो एक्सरसाइज होती है बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। मतलब मज़े की बात यह है कि गर्दन की एक्सरसाइज ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि गर्दन की एक्सरसाइज क्या क्या होती है। लाइक मैं बहुत करता हूँ गर्दन की, इवन जिम में भी मैंने बहुत कम लोग देखेंगे जो गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। खैर ये था स्पारिंग का, और जी यहाँ आज नेपी है, तो नेपी में क्या होता है कि नेपी के बाली का कल्चर है इंडोनेशिया में, तो जो यहाँ के जो हिंदू लोग हैं ना, तो इनका एक कल्चर है। तो आज जैसे ये पुतले बनाते हैं बड़े बड़े, यू नो राक्षसों के, एंड उन्हें कल जलाएंगे। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली कि इनका जो नेपी के होता है कि हैप्पी न्यू ईयर होता है इनका, इनका न्यू ईयर स्टार्ट हो गया अभी। अब वैसे ही हमारा है, अपने यहाँ, हमारे यहाँ अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गया, राइट। तो हमारा भी जो हमारा हिंदू नववर्ष होता है वो आज से स्टार्ट होगा, इनका भी आज से स्टार्ट होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइक मैं नेट पर सर्च मार रहा था तो उसमें ये भी है कि इनका ये होता है कि यहाँ जैसे अभी शाम से कल कल रात के 12 या परसों तक मतलब कोई बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा होता है इनका कि बाहर कोई नहीं निकलेगा। तो उसमें क्या होता है कि इनका ये मानना है कि जैसे मतलब कहते हैं कि एक ट्रिक होती है, बल मतलब ऐसे न्यू ईयर में हमारे यहाँ क्या होता है, अभी जैसे मैं सर्च मार रहा था तो उसमें ऐसा था कि अमावस्या होती है, अमावस्या का कुछ ऐसा है कि चंद्रमा की जो छाया गिरती है तो वो सही नहीं होती है इस दौरान, लाइक आज 8 से लेकर कल के 10 बजे तक शायद, ठीक है। तो एक तो ये होता है जो फन फैक्ट हो गया, और मतलब जब मैं सर्च किया इसके बारे में, एंड देन सेम थिंग हमारे उसे मिलता है, इनका भी मिलता है, तो सेम ही हो गया पूरा। और लिटरली ऐसा होता है यहाँ पर, अभी जैसे बाहर पे ना हमारे उत्तराखंड में बहुत होता है, जैसे जैसे देवभूमि हमारे यहाँ, तो जैसे देवता आना, मतलब देवता आना बहुत कॉमन चीज़ है। तो यहाँ भी अभी ऐसे ही हो रहा था, बीच कुछ फुटेज है मेरे पास, आप उनको देख सकते हो। सो
मतलब वही है, कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना डाइवर्सिटी होती है, लेकिन इट्स अमेजिंग, आई मीन मतलब कितनी सिमिलरिटी है हमारे इनके बीच, तो ये भी देखने वाली चीज़ थी, मतलब जो आज हमने देखी थी अभी। सो नेपी के बारे में आप सर्च करना, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें मिलेगी आपको। और चंद्रमा का कुछ सीन है मैं भूल गया हूँ, और क्योंकि अमावस्या आई थिंक कल ख़त्म होने की, उसके बाद कुछ टाइम तक बाहर नहीं आना होता है, लेकिन इनका ये कहता है कि बाहर नहीं आना है। और एक और ये होता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी देखी, तो उसमें तो ऐसे लिखा था कि हाँ कि एक कहावत है, कहावत क्या है कि स्टोरीज़ में ये बिलीव करते हैं कि पहले के टाइम पे जैसे क्या हो कि राक्षस आते थे, और सब लोग अगर घर के अंदर हैं तो राक्षस को ट्रिकी हो जाता था, कि उसे लगता था कि यहाँ कोई नहीं है तो चले जाता था। पर आई थिंक ये सिर्फ एक कहानी है, बट आई थिंक जो मेन वो है, अगर आप उसमें घुसोगे तो उसमें फिर वही पता चलता है कि जैसे अभी अमावस्या है, अमावस्या के बाद इतने इतने टाइम तक बाहर नहीं आते हैं, तो मतलब और जैसे हमारा नवरात्रि स्टार्ट होता है, जो सारी चीज़ चैत का महीना जो हमारा ख़त्म हो गया एंड स्टार्ट हो गया ऐसा, तो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, तो वैसे इनका है, इंटरेस्टिंग है, सही है। खैर एनीवे, और मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा, आई थिंक मैंने डाल दिया है, और बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अभी लगभग हमारे 4 या 5 दिन रह गए हैं, और मैं जा रहा हूँ वापस 27 को इंडिया। तो इंडिया में दिल्ली में फ़ाइट है MFN 11 31 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम पे, और आप ये फ़ाइट देख सकते हो डिज्नी हॉट स्टार पे भी लाइव रात को। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहता हूँ कि यार फ़ाइट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ना लाइक हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा जो क्रेज़ है वो मतलब क्रिकेट का ज़्यादा है स्पोर्ट्स में, और क्रिकेट वालों की कोई वो नहीं है उसमें, गलती नहीं है, अक्सर हम क्रिकेट वालों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं जब हम बात करते हैं किसी और स्पोर्ट्स की। तो क्रिकेट ने अपना एक दबदबा बनाया है, यू नो उनकी ऑडियंस भी ऐसी है, और हमारी यहाँ ऑडियंस अभी स्टार्ट हो रही है, तो अगर हमारी ऑडियंस बढ़ती है तो ऑब्वियस है हमारी मार्केटिंग ज़्यादा होगी और हमें पेचक ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग फ़ाइट देखने आओ, और फ़ाइट देख नहीं सकते तो आप लाइव स्टार पे, सॉरी हॉट स्टार पे आप लाइव देख सकते हो। तो 31 तारीख को फ़ाइट है, मेरी एकेडमी से खेल रहे हैं सागर और साहिल, साहिल हिमाचल से और सागर देहरादून से, सहस्त्रधारा से, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ाइट है उसमें। तो ऑल ओवर इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं लोग MFN वाले, तो पूरे डाइवर्सिटी जो हमारी उसमें खेल रहे हैं, कोई मणिपुर से है, कोई यहाँ से है, कोई दिल्ली से है, कोई बेंगलोर से है, इस तरीके से। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, और बैक स्टेज में मिलूँगा आपको MFN के बाद। तो 31 तारीख को फ़ाइट है, उसके बाद होपफुली कि मैं फ्री हो जाऊँ और हम लोग साथ में मिल सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।